नमस्कार, सुप्रभात। आज का जो हमारा आसन है उसका नाम है पवन मुक्तासन। इसे करने से पहले कुछ सावधानियां देखते हैं और उसके लाभ देखते हैं, उसके बाद अंत में इसकी विधि देखेंगे। जो गर्भवती महिलाएं वो इस आसन को ना करें। दूसरा, जो रोगी स्लिप डिस्क से पीड़ित हैं वो भी इसे ना करें। लाभ क्या क्या है? आपके पीठ के पीछे की जितनी भी मांसपेशियां हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ी हुई है, उसको बहुत रिलैक्स यानी बहुत आराम मिलेगा अगर आप इसे करते हैं। दूसरा, दिल और फेफड़े से संबंधित रोगों के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है, बहुत अच्छा आसन है। अगला, एसिडिटी और गैस से संबंधित रोगियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे करते हैं तो यकीनन आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और शरीर के काफ़ी हिस्से को बहुत आराम मिलेगा। और हाँ, जो मोटापा है, पेट से संबंधित मोटापा है, कैसा भी हो, अगर ये आपके अंदर के फैट को, वसा को कम करने में सहायता करता है और मोटापे से भी दूर रखता है। और आपके शरीर के अंदर हवा का भी नियंत्रण बराबर रखता है। चलिए तो अब इसकी विधि देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले इस तरह से लेटना है, ठीक है, इस तरह से एक मिनट, इस तरह से लेटिए। उसके बाद पैरों को साथ में रखना इधर लेके आओ, और ये दोनों हाथों से ये दो पैरों को जोड़ के रखो और पकड़ के इस तरह से, और इस तरह से ऐसे पूरी ताकत के साथ बांध के, और अपने घुटनों को अपने सीने से लगा के इस तरह से, अपने पैरों को ये अंगूठे उन्हें इस तरह से रखो, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आंखें बंद और हल्की हल्की सांस लेते रहिए। वापस से सामान्य स्थिति में आने के लिए एक बार पहले गहरी सांस लीजिए, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ पैरों को, और फिर से इस तरह से। ठीक है, उसके बाद दोबारा करना है, पैरों को जोड़ के घुटनों को सीने से लगाइए, और ये दो हाथ से इस तरह से और इस तरह से, और आंखें बंद और हल्की सी सांस लेते रहिए, हल्की हल्की। सामान्य स्थिति में आने के लिए पहले गहरी सांस, धीरे धीरे छोड़िए पैरों को इस तरह से, धीरे धीरे आराम इसी में रहिए, फिर उठ जाइए। आज का जो आसन बताया है पवन मुक्तासन, अगर आप ये करते हैं तो 100% जितने भी लाभ बताए थे वो सब आपको ज़रूर होंगे। बस हर दिन करते रहिए, ठीक है। मैं ईश्वर से दुआ करूँगा कि आप, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे और हमेशा खुश रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद।